हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में 52,000 के पार अब कोरोना मरीज पहुंच चुके हैं और एक दिन में कोरोना के 1203 नए मामलों की पुष्टि हुई है, यानी कि हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। गुरुग्राम में 120 और फरीदाबाद में 127 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत में 132, रेवाड़ी में 111 और अंबाला में 98 नए मामले देखने को मिले हैं। रोहतक में 65, करनाल में 73 और हिसार में 56 नए मामले हैं और कोरोना से अब तक 585 मरीजों की मौत हो चुकी है हरियाणा प्रदेश में। इलाज के बाद अब तक 43,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राहत भरी खबर ये, लेकिन हरियाणा में 52,000 के पार अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और एक दिन में कोरोना के 1203 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में भी स्थिति धीरे धीरे, क्योंकि जो लगातार संक्रमण के मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और पानीपत में जिस हिसाब से हम आपको जिलेवार तरीके से जानकारी दे रहे हैं, जिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपके जिले के अंदर, आपके शहर के अंदर कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, कितना खतरनाक, कितना भयानक ये वायरस इस वक्त अपना कहर बरपा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इलाज लोगों को दिया जा रहा है, जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे हैं, और ऐसे में काफी हद तक जो मरीज हैं जो अस्पताल तक पहुंच रहे हैं उनको स्वस्थ कर वापस उनको घर भेजा जा रहा है। रिकवरी रेट भी पहले के मुकाबले कुछ हद तक सुधरा है, लेकिन संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले बड़ी चिंता बने हुए हैं प्रशासन के लिए। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, चंडीगढ़ से खबर, जहां प्रदेश भर में शनिवार रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की इजाजत मिलेगी। और कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है, यह तय किया है कि शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी और सिर्फ जो जरूरी सामान की जो दुकानें हैं सिर्फ वही खुलेंगी, और नियमों को ना मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, यह भी साफ कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है और शनिवार रविवार को बेवजह अपनी दुकान या अपने दफ्तर खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, सरकार उसको लेकर के चिंतित है और सरकार ने इन्हीं सब को देखते हुए ये फैसला लिया है। आज और कल प्रदेश भर में, क्योंकि ये जो शनिवार और रविवार को लेकर के जो गाइडलाइन दी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को यदि कोई अवहेलना करता है, उनकी अनदेखी करता है, तो उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत की जो सामान है वो सिर्फ दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग उससे प्रभावित ना हो, कमी ना खले। तो ऐसे में आज और कल प्रदेश भर में जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसके अलावा बाकी दुकानें नहीं खुलेंगी। और चलिए अब जरा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको बताएंगे कि अभी जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें हैं। रतिया आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, सबसे पहले बताइए कि जो लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आज की कोरोना अपडेट क्या है, जानकारी क्या है? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना के मामले हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, जो कोरोना का संक्रमण है वो काफी फैल रहा है। रतिया में अब तक 174 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 132 के करीब ठीक होकर लोग घर पहुंच चुके हैं। वहीं अभी 42 के करीब मामले अभी एक्टिव हैं, जिनका उपचार चल रहा है शुभेंदु। लेकिन अशोक, ये जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के लगातार प्रशासन और सरकार के द्वारा भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में शनिवार और रविवार को हरियाणा के अंदर सभी दफ्तर बंद करने की जो बात की जा रही है, सरकार ने जो तय किया है, गृहमंत्री के द्वारा जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है, उसको लेकर के लोगों से क्या बातचीत हुई है, लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या मानना है? देखिए शुभेंदु, जो प्रदेश सरकार द्वारा इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है,
कल गृह मंत्री द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि शनि और इतवार को दुकानें बंद रहेंगी, जरूरी सामान की ही दुकानें खुलेंगी। उसको लेकर देर शाम को ये प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई, जिसको लेकर अभी सुबह दुकान 9 बजे का टाइम है खुलनी शुरू हुई, तुरंत पुलिस की पार्टी कई अलग अलग गाड़ियों में गई और दुकानें बंद करवाने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों को नहीं मानेगा कोई दुकान खोलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोक, लेकिन जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, व्यापारी वर्ग है, वो इस पर क्या कह रहे हैं, क्या उनको जानकारी मिली है? क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो जिला स्तर पर तो पहुंचा होगा और उसके बाद क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ चुके हैं, लेकिन क्या ये दुकानदारों को और जो व्यापारी वर्ग है क्या उन तक भी ये मैसेज पहुंचा है, क्या उनको भी ये जानकारी मिली है, या उनका क्या कहना है? क्या वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं मिली जिस वजह से उन्होंने दुकानें खोली हैं और उसके बाद पुलिस उनको दुकानों को बंद करवा रही है? देखिए, जो जानकारी है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कल देर शाम को दी गई है, उसको बार वो भी सोशल मीडिया के मार्फत दुकानदारों को पता चला है। हालांकि दुकानदारों में आज सुबह रोष देखने को मिला। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर वो आज के जो कार्य है वो कल में ही निपटा लेते। हालांकि पुलिस प्रशासन ने दुकानें बंद करवा दी, मगर दुकानदारों में रोष देखने को मिला है। शुभेंदु, यानी कि नाराजगी दुकानदारों में ज्यादा है, दुकानदारों को नाराजगी इस बात को लेकर के है क्योंकि शनिवार और रविवार, क्योंकि अभी वापस से पटरी पर व्यवस्था आ रही थी, लेकिन इससे नुकसान व्यापारी वर्ग को कितना होगा, व्यापारी वर्ग इस पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले देखने को मिल रहा था कि शनिवार और रविवार के दिन दुकानों पर लोग आने शुरू होते थे वापस से, क्योंकि व्यापारी वर्ग ये कह रहे थे कि जो नुकसान लॉकडाउन के भीतर हुआ अब कहीं ना कहीं वापस पटरी पर व्यवस्था आ रही है, लेकिन वापस से जो शनिवार रविवार को लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि दुकानों को बंद करने की जो बात की जा रही है, उससे नुकसान कितना होगा व्यापारी वर्ग को, वो क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने दुकानें जो है ज्यादातर अपनी किराए पे ली हुई है, बिजली का बिल भी उन्हें भरना पड़ रहा है। इसको लेकर जो सप्ताह में 2 दिन दुकानें बंद होती हैं उसका उनको काफी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करनी मुश्किल है, क्योंकि गांव के लोग हैं वो अक्सर अब शहर में कम ही आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना शहर में ज्यादा फैला हुआ है, इसके लोग गांव के लोग कम आ रहे हैं, काम वैसे ही काफी कम है। अशोक, लेकिन जरूरत की जो सामान है वो दुकानें सिर्फ खुली रहेंगी, उसको लेकर भी क्या अभी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कुछ जानकारी है? अभी जो मेडिकल स्टोर है, दूध डेयरी है, वो ही खुली दिख रही है, उसके बावजूद अभी और जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुली दिख रही। प्रशासन इसके ऊपर अभी फैसला क्या लेता है वो अभी दिन में पता चलेगा। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस पर जानकारी देने के लिए। तो रतिया की क्या स्थिति है वो हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर ने आप तक पहुंचाया है, ये बताया है कि रतिया के अंदर क्या तैयारियां हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि रतिया के अंदर जो दुकानें हैं सुबह अपने तौर तरीके से उसी रूटीन में खुल रही थी, लेकिन पुलिस पार्टी की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने बताया कि इस रूप में अब शनिवार और रविवार का जो बंद करने का दुकानों को ऐलान किया गया है, जो फैसला लिया गया है उसके तहत अब दुकानों को बंद किया जाएगा, शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरत की सामान की जो दुकानें हैं वही खुलेंगी, उसके अलावा बाकी दुकानों को, बाकी दफ्तर को बंद किया जाएगा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार हम इस विषय पर बने हुए हैं कि अब शनिवार और रविवार को जिस रूप में दुकानें और दफ्तर बंद करने की बात हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है, क्या उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जानकारी मिल रही है, जरा वो देख लेते हैं। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर के लोगों की तरफ से रिएक्शन मिल रहा है और इसको लेकर के अभी फिलहाल की सुबह की तस्वीरें क्या है, क्योंकि अब दुकानें खोलने का टाइम है, दफ्तर खोलने का टाइम है, तो क्या रोजमर्रा की तरह ही उसी तरीके से दुकानें खुल रही हैं या अभी भी बंद हैं? जानकारी व्यापारी वर्ग को है, लोगों को है, दुकानदारों को है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जिस प्रकार से सरकार ने 2 दिन का वीकेंड पे लॉकडाउन रखा है, हालांकि संडे का पहले ही लॉकडाउन था, लेकिन इस बार जब हाल ही में जो आदेश जारी किए गए हैं सैटरडे और संडे के दो दिन वीकेंड पे बंद रहेंगे, इसको लेकर के जो लोगों के अंदर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जो है सरकार के इस फैसले से नाराज भी नजर आया है। मीडिया पर्सन को और सोशल मीडिया के माध्यम से ये दुकानदार जितने व्यापारी वर्ग है पूछता नजर भी आया है कि क्या जो दुकानें कब से बंद रहने वाली हैं और
कब कोई सूचना, किस प्रकार की सूचना जो है प्रेषित की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शुभेंदु, देखिए जिस प्रकार से लोगों का एक जो प्रतिक्रिया दी है, उनका ये कहना है कि क्या सात जो दुकानें हैं, दुकानें बंद किए जाने से कोरोना रुक जाएगा क्या? दूसरा ये सवाल उनका ये भी था कि जिस प्रकार से सरकार यातायात सुविधाएं जो दे रही है, जिसमें फुल कैपेसिटी से बसें चल रही हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलता है? ये एक बड़ी जो सवाल है लोगों की तरफ से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी अर्थव्यवस्था जो लोगों की अभी पटड़ी पर लौटी ही थी कि अब दोबारा से जो इस प्रकार से जो कवायद शुरू की गई है, जो लोगों के गले उतर नहीं रही है। आज सुबह जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति पैदा कर रही थी। दुकानों के बाहर लोग खड़े हुए थे, दुकानें खोले या ना खोले एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, भी कोई वो दुकान खोलेगा दूसरा तो मैं भी दुकान खोलूंगा। लेकिन इस बीच जो है पुलिस की जो है गश्त हुई है, उसके बाद जो है दुकानें बंद कर दी गई थी। एक यहां सबसे बड़ा जो असमंजस की स्थिति गौरव यह भी बनी थी कि जो सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक बुलाए गए थे, उनको भी बुलाया जाना ही या नहीं बुलाया जाना, इसको लेकर के विभाग से कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए थे। बार बार जो मीडिया पर्सन को लोग फोन करके ये पूछ रहे थे कि क्या स्कूल भी लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्या स्टाफ जाएगा या नहीं जाएगा। कुल मिलाकर गौरव सीधी सी माफ कीजिए शुभेंदु, जो है जो अगर मोटा कंक्लूजन निकालें तो लोग जो है इन आदेशों के पास अभी असमंजस में थे कि जिस प्रकार से सरकार ने जल्दबाजी में आदेश जारी किए हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट तक तो पहुंचा है लेकिन लोगों और व्यापारी वर्ग तक वो जानकारी उतनी नहीं पहुंची है जितना कि वो पहुंचनी चाहिए थी, यानी कि उनको भी उस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया अजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो अभी तक आपने ये फतेहाबाद की तस्वीरें देखी, लेकिन अब जरा आपको आगे लिए चलते हैं और आपको रोहतक की तस्वीरें दिखाते हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, सबसे पहले जरा आज की तस्वीरें क्या हैं दुकानें खोलने को लेकर, क्योंकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में तो जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार है, वो असमंजस की स्थिति में है। दुकान खोले कि नहीं खोले, क्योंकि अभी तक उनको ये जानकारी नहीं मिली है। रोहतक के अंदर प्रशासन के द्वारा क्या दुकानदारों तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि शनिवार और रविवार को दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे? शनिवार और रविवार का जो है मुख्य सचिव ने जो आदेश जारी किए थे कि तमाम जितने भी चाहे वो वाणिज्यिक हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे प्राइवेट हैं, सभी की सभी जो है वो बंद रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है शहर की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम शोरूम खुले हुए हैं, तमाम दुकानें खुली हुई हैं और कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो सड़क पे उतर करके इन दुकानों को बंद कराने के बारे में बातचीत कर रहा हो। हालांकि दुकानदारों से बात की है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तक उन्हें यही कि नोटिफिकेशन कब आया था और किस तरीके के उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे खड़ा होता है कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि अल सुबह ही जो है वो सड़कों पर उतरता और दुकानों को बंद करने के आदेश देता, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी जो है अभी तक सड़कों पर नहीं उतरा है। जी, यानी कि दुकानें पूरी तरीके से खुल रही हैं और लोगों को जानकारी नहीं है, दुकानदारों को जानकारी नहीं है, लेकिन क्या इस फैसले को लेकर के उनका कहना है, वो क्या मान रहे हैं कि ये उनकी सुरक्षा के लिए ठीक कदम है या फिर अब वापस से जब पटरी पर व्यवस्था लौट ही रही थी कि एक बार फिर से जो है दुकानों को बंद करने का शनिवार और रविवार को, ये फैसला उनके लिहाज से गलत है, क्या लोगों का मानना है? देखिए, आपको बता दें शिवेंद्र, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हालांकि आदेशों की जानकारी उनको भी है, लेकिन जब तक कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो है उनको रोकने नहीं आता तो ऐसे में वो अपनी दुकानें क्यों बंद करें। लोगों को ये भी पता है कि देर शाम को ही ये आदेश जारी हो गए थे और आज समाचार पत्रों के अंदर भी ये सब जगह जगह से इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि शनिवार और रविवार को तमाम चीजें बंद रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो ये कह रहे हैं जब प्रशासन ही सड़क पर उतरकर उन्हें मना नहीं कर रहा तो ऐसे में वो अपनी दुकानें क्यों बंद करें, अपना व्यापार क्यों खत्म करें। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो लापरवाही है वो प्रशासन के सामने नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन इस मामले को लेकर के जिस तरीके से आधिकारिक आदेश आए थे उनको कार्यालयों में भिजवा दिया गया, जबकि सरकारी कार्यालय शनि और रविवार को वैसे ही बंद रहते हैं, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान थे उनको बंद कराने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तरफ से आदेश जरूर जारी हुए हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। और जरा रोहतक की तस्वीरों के बाद अब आपको झज्जर लिए चलते हैं। रमाकांत हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं और झज्जर से क्या तस्वीरें, क्या जानकारी मिल रही है जरा वो भी समझ लेते हैं। रमाकांत, सबसे पहले बताइए कि ये जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है, इसको लेकर के क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या वहां पर दुकानें बंद हैं, दुकानदारों को क्या इस बारे में जानकारी है? मैं शुभेंदु आपको बता दूं, सुबह जब जैसे ही पता लगा तो लोग थोड़े से पजल हो गए, लोगों को पता भी नहीं था कि शनिवार और संडे को बंद किया गया है।
जब हरियाणा न्यूज का कैमरे ने जब पुलिस वालों से पता किया कि आपको तो उन्होंने हमारे कैमरे को देखते हुए भाग के और दुकानदारों को बंद कराने के लिए कहा। जब दुकानदारों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कोरोना से पहले ही हमें बहुत मार लग चुकी है, लेकिन अब फिर से हरियाणा सरकार का ये फरमान कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी चरमराई हुई है, उसके बाद अगर उनको कुछ काम करना ही है, उनको अगर कुछ काम करना ही है तो वो कोरोना को लेकर करें। वो दुकानदारों से क्या चाहते हैं? दुकानदार तो पहले ही जो प्रिकॉशन उन्होंने दी थी, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, वो पहले ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद दुकानदारों को एकदम से फरमान करना शनिवार और संडे बंद है, या तो पहले हमें कोई ना कोई वार्निंग दी जाती और उसके बाद अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो कहीं ना कहीं सही था। अगर हम पुलिस वालों से बात करते हैं तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें जैसे दिशा निर्देश आए हैं और हम उसका इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। और अगर दुकानदारों के कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो पुलिस वाले थे उनकी वहां भी ड्यूटी है और यहां भी है, तो पुलिस वाले भाग खड़े हुए कैमरे को देखते हुए उन्हें खुद भी ये नहीं पता था कि शनिवार को किन दुकानों को बंद किया जाए और किन दुकानों को खोला जाए। अब इस बात का आलम आप ये समझ सकते हैं सुगेंदु, कि जब पुलिस वालों को ये नहीं पता तो दुकानदारों को वो क्या समझाएं? दुकानदार उन्हें कानून पढ़ाने लगे कि हमें ऐसी कोई भी ऐसा कि दुकानदारों को जानकारी नहीं है, व्यापारी वर्ग को इस बारे में जानकारी नहीं है, लोग भी असमंजस की स्थिति में है। बहुत शुक्रिया रमाकांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो यहां जज्जर से भी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दुकानदारों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करनी है, किन दुकानों को बंद करना है, जरूरत की जो दुकानें हैं जिन पर सामान मिलता है वो जो है खुली रहेंगी। तो इसी तौर पर ये हमने आपको पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आपको ये दिखाया है कि आखिर कैसे इस बंद को लेकर के, यानी कि शनिवार और रविवार को जो दफ्तर और दुकानें बंद करने की जो बात की जा रही है उसका क्या असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।